हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे ड्यू द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 1/10/2021, क्रमांक संख्या 84। आज की वर्कशीट मैथमेटिक्स वर्कशीट है जो क्लास 1 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी जो भी सेक्शन हो आपका लिख लीजिएगा। आज हम करेंगे रिलेटेड लर्निंग आउटकम कंस्ट्रक्ट एडिशन फैक्ट्स अप टू 10 By using concrete objects, number combination, यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं हम। गांधी जी के तीन बंदर। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा विशेष दिन है? कल गांधी जयंती है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के साथ उनके तीन बंदर बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए कविता के माध्यम से जानें। बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कल कौन सा विशेष दिन है? कल गांधी जयंती है जिसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और उनके तीन बंदर जो बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए कविता के माध्यम से जानें। देखते हैं क्या दी गई इन तीन बंदरों पे कविता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या दिया है जरा देखते हैं कविता में। गांधी जी के तीन बंदर। गांधी जी के हैं तीन बंदर, देते हैं अच्छाई का मंत्र। पहला बंदर कहता यही, बुरा होते कभी देखना नहीं। दूसरे बंदर का है ये कहना, बुरा किसी से ना सुनना। तीसरे बंदर ने ये बात बताई, बुरा कहने में नहीं कोई भलाई। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको भी ये बात समझ में आई? चलिए बच्चों एक बार फिर से ये गीत देख लेते हैं। गांधी जी के हैं तीन बंदर, देते हैं अच्छाई का मंत्र। पहला बंदर कहता यही, बुरा होते कभी देखना नहीं। पहला बंदर क्या कहता है? बुरा होते हुए हमें कभी नहीं देखना चाहिए। दूसरे बंदर का है ये कहना, बुरा कभी किसी से न सुनना। दूसरा बंदर क्या कहता है? हमें किसी की भी बुराई नहीं सुननी चाहिए। तीसरे बंदर ने ये बात बताई, बुरा कहने में नहीं कोई भलाई। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको भी ये बात समझ में आई? गांधी जी के जो तीन बंदर है वो हमें अच्छाई के क्या देते हैं? मंत्र। ये देखिए एक बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये गांधी जी के तीन बंदर हैं। चलिए देखते हैं गांधी जी के जन्मदिन पर रोहन और रानो ने उनके बंदरों की पेंटिंग बनाकर अपने मोहल्ले में बांटने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने जरूरी चीजें इकट्ठा की। चलिए उन दोनों के पास मिलकर कितनी चीजें हैं ये पता लगाते हैं। नीचे दी गई तालिका को अपनी कॉपी में बनाएं। रोहन और रानो के पास मिलाकर जितनी चीजें हैं उनके चित्र बनाएं, गिनिए और संख्या में लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, जो रानो और रोहन हैं उनकी चलिए हमें मदद करनी है कि उन्होंने कितनी वस्तुएं जमा की हैं। आपको एक तालिका दी गई है, ये रही वो तालिका। जरा देखते हैं तालिका में क्या क्या है। पहले तो वस्तुएं हैं रोहन के पास, रानो के पास और दोनों के पास मिलकर कितनी वस्तुएं हैं? देखिए चार ड्राइंग शीट रोहन के पास है, तीन ड्राइंग शीट रानो के पास, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 7 ड्राइंग शीट। देखिए गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए रोहन के पास 5 पेंसिल, रानो के पास 5 पेंसिलें, रोहन के पास 5 पेंसिलें और रानो के पास 5, तो कितनी हो गई बच्चों? 10 पेंसिलें। और
तीन मोम वाले रंग रोहन के पास, तीन मोम वाले रंग रोहन के पास, छह मोम वाले रंग रानू के पास, तो कितने हो गए बच्चों इनके पास? मिला के छह और तीन हो गए नौ मोम वाले रंग। चलिए आगे देख लेते हैं और देखिए क्या क्या है। छह पानी के रंग रोहन के पास, चार रानू के पास, चार पानी वाले रंग रानू के पास, तो मिला के हो गए दस पानी वाले रंग। और यहाँ पे देखिए दो पेंटिंग ब्रश रोहन के पास, तीन पेंटिंग ब्रश रानू के पास, तो मिला के हो गए पांच पेंटिंग ब्रश। और चार स्केच पेन रोहन के पास, पांच स्केच पेन रानू के पास, दोनों मिला के हो गए नौ स्केच पेन। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि गांधी जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। गांधी जी के तीन बंदरों की सीख अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर बच्चों निकले मास्क जरूर लगाएं। अगर कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।